we are discussing human physiology. So third chapter in human physiology is blood fluids and circulation. So welcome back to Biology on Earth. First of all, what is blood? Blood is a fluid connective tissue. मीन्स ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू जो कि बॉडी के डिफरेंट सेल्स को कनेक्ट करता है. नाउ ब्लड जो है ये किस तरीके से कनेक्ट करता है कि एक सेल से कोई भी मटेरियल जो है इसको दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करता है. जैसे हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन से जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं या बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो मॉलिक्यूल्स हैं ये डिफरेंट सेल्स में ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम ब्रेन टू लंग्स, लंग्स टू इस तरीके से. तो यहाँ पे जो ब्लड है ये ब्लड इनकी जो ट्रांसपोर्ट है इसको रेगुलेट करता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम ब्रीद करते हैं तो हम ऑक्सीजन को इंस्पायर करते हैं. ये जो ऑक्सीजन है अब ये ब्लड में है और ब्लड पूरी बॉडी में इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है. सिमिलरली जब हम खाना खाते हैं तो जो कंपाउंड्स होते हैं विच इंक्लूड दी ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, इनको पूरी बॉडी के सेल्स में ये ट्रांसपोर्ट करता है. उसके बाद बॉडी में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है इसको रिलीज करने में ब्लड हेल्प करता है. ये इसको ट्रांसपोर्ट करता है लिवर और किडनीज में, जो कि बाद में इसको एक्सक्रीट करते हैं. अब यहाँ पे ब्लड क्या है? सबसे पहले ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. मींस ये फ्लूइड नेचर का है और ये कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बॉडी के डिफरेंट सेल्स को आपस में कनेक्ट करता है. एंड इट कंटेन द फ्लूइड मैट्रिक्स. इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स होता है. जो ब्लड का मैट्रिक्स है ये फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है. इसमें प्लाज्मा प्रेजेंट है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं. फॉर्म्ड एलिमेंट्स मींस डिफरेंट सेल्स जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं. नाउ सबसे पहले अगर हम ब्लड के प्लाज्मा की बात करें तो 55% जो ब्लड है इट इज मेड अप ऑफ ब्लड प्लाज्मा. मींस ब्लड का जो 55% पोर्शन है इट इज द प्लाज्मा. जो प्लाज्मा है इसमें 90 to 92% जो है ये वाटर होता है और 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ डिफरेंट प्रोटीन्स हैं. जैसे जो फर्स्ट है इट इज कॉल्ड द फिब्रिनोजन. जो फिब्रिनोजन है ये ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. उसके बाद जो सेकंड है इट इज द एल्ब्यूमिन. जो एल्ब्यूमिन है ये ऑस्मैटिक बैलेंस को रेगुलेट करता है. थर्ड आर कॉल्ड द ग्लोबुलिन्स. अब डिफरेंट तरीके के ग्लोबुलिन्स होते हैं. जो अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन्स हैं ये ट्रांसपोर्ट करते हैं लिपिड्स को, हॉर्मोन्स को और कोलेस्ट्रॉल को थ्रू आउट द बॉडी. उसके बाद जो है गामा ग्लोबुलिन. जो गामा ग्लोबुलिन है ये इम्यून डिफेंस क्रिएट करते हैं. मीन्स इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं विच आर कॉल्ड द इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट करते हैं. दे फाइट अगेंस्ट डिफरेंट फॉरेन पैथोजेंस विच एंटर्ड इन द बॉडी. तो यहाँ पे जो ग्लोबुलिन है ये बनता है फ्रॉम द लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स. मीन्स जैसे जब हम आगे ब्लड सेल्स को डिस्कस करेंगे तो दो तरीके के लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट. जो बी लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा जो प्लाज्मा सेल्स हैं ये डिफरेंट एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं. एंटीबॉडीज आर ऑल्सो कॉल्ड द इम्यूनोग्लोबिन. इम्यूनोग्लोबिन जो कि एंटीबॉडीज हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं. तो डिफरेंट तरीके के इम्यूनोग्लोबिन और एंटीबॉडीज होते हैं जैसे कि आईजीजी, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन डी एंड इम्यूनोग्लोबिन ई. तो इनके डिफरेंट रोल हैं. सबसे पहले अगर हम यहाँ पे IgM की बात करें तो इम्यूनोग्लोबिन M जो है सबसे पहले जब भी हमारी बॉडी में किसी भी तरीके की इन्फेक्शन होती है तो सबसे पहले साइट ऑफ इन्फेक्शन पे जाते हैं IgM इम्यूनोग्लोबिन. उसके बाद है IgG इम्यूनोग्लोबिन. जो IgG इम्यूनोग्लोबिन है अगर जो इन्फेक्शन है ये लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक नहीं हो रहा IgM के साथ, तो उस जगह पे जाएंगे यहाँ पे IgG इम्यूनोग्लोबिन. और अगर हम जो फीटस की बात करें तो फीटस जो है ये मदर से अलग होता है और इसको मदर से जो है अलग करते हैं प्लेसेंटा. ये जो प्लेसेंटा है इसको कोई भी ब्लड का सेल क्रॉस नहीं कर सकता एक्सेप्ट आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन. सो जो आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन है ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस में जाते हैं और इसको इम्यून डिफेंस प्रोवाइड करते हैं. बाकी कोई भी इम्यूनोग्लोबिन ब्लड सेल या किसी भी तरीके का जो मदर का सेल है ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता. उसके बाद जो है IgA जो है ये ब्लड में जो प्रेजेंट होते हैं लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं. लेकिन ये सभी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं हमारी बॉडी में जैसे कि जो नेजल पैसेज हो गया, उसके बाद जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो GIT है, मींस जहां भी म्यूकस प्रेजेंट है उसमें यहाँ पे IgA टाइप इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए. जो IgD है इसका रोल इतना स्पेसिफाइड नहीं है. और जो IgE है अगर हम इसकी बात करें तो जो भी एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है वो IgE जनरेट करता है। उसके बाद जो है फॉर्म्ड एलिमेंट कौन से हैं ब्लड में, ब्लड में जितने भी सेल्स हैं दे आर कॉल्ड दी फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और जो ब्लड है इसमें 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद दे कंटेन दी एरिथ्रोसाइट्स, इसमें एरिथ्रोसाइट्स विच आर आल्सो कॉल्ड दी RBCs रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद इसमें ल्यूकोसाइट्स होते हैं विच आर कॉल्ड दी व्हाइट ब्लड सेल्स WBCs, एंड यहाँ पे प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ जो प्लेटलेट्स हैं दे आर दी फ्रेगमेंटेड सेल्स। एरिथ्रोसाइट्स और WBCs ये फुल सेल होते हैं, लेकिन जो प्लेटलेट्स हैं ये सेल के फ्रेगमेंट की तरह इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं और ये कोएगुलेशन में रोल प्ले करते हैं। नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स आर आल्सो कॉल्ड दी RBCs और रेड ब्लड सेल्स। ये जो है ये सबसे ज्यादा अबंडेंट सेल है हमारे ब्लड में। और अगर हम एडल्ट मैन की बात करें तो इसमें 5 to 5.5 मिलियन जो है ये RBCs प्रेजेंट होते हैं पर मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ये ब्लड की इतनी कॉम्पोजिशन में जो है 5 टू 5.5 मिलियन RBCs प्रेजेंट होते हैं। नो RBCs जो है ये अगर हम एडल्ट में बात करें तो एडल्ट की जो रेड बोन मैरो है, जो बोन के अंदर रेड बोन मैरो है, इसमें ये फॉर्म होते हैं। उसके बाद जो RBCs है इनमें रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि इनमें एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट होती है विच इज कॉल्ड दी हेमोग्लोबिन, जिसे हम HB भी बोलते हैं। तो जो हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। नाउ जो हेमोग्लोबिन है इसमें 4 हीम ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। हीम ग्रुप जो कि एक आयरन ग्रुप है, तो ये जो एक हीम है ये एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है। तो हेमोग्लोबिन में 4 हीम है तो ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर सकता है और उसको ट्रांसपोर्ट करवा सकता है। उसके बाद जो यहाँ पे हेमोग्लोबिन है अगर हम इसकी कंसंट्रेशन की बात करें तो जो हेमोग्लोबिन है ये 12 टू 16 ग्राम्स प्रेजेंट होता है इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। नाउ HB जो है ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है। जो RBCs हैं इनमें जो मैच्योर RBCs की अगर हम बात करें तो इनमें न्यूक्लियस, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस ये कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा स्पेस चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर हेमोग्लोबिन अक्यूमुलेट हो सके और वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सके। अब जो RBCs हैं, एरिथ्रोसाइट्स हैं, इनका एक ही रोल है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, इसलिए न्यूक्लियस की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी ऑर्गेनेली की कोई जरूरत नहीं है। तो इनका जो लाइफ स्पैन है इट इज ओनली 100 to 120 डेज। तो जब 100 टू 120 डेज के बाद जो RBCs हैं ये जो है ये रप्चर हो जाते हैं और ये स्प्लीन तक मूव करते हैं और स्प्लीन में इनकी डिग्रेडेशन होती है। सो स्प्लीन इज आल्सो कॉल्ड द ग्रेवियर्ड फॉर RBCs। और कुछ जो RBCs हैं ये लिवर में भी डिग्रेड होते हैं। और जो RBCs हैं दे आर बाइकनकेव इन शेप। नाउ अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है एंड दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स। जो ब्लड है, ब्लड में जो है 1,50,000 से लेके 3,50,000 तक प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं इन मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर और दे इन्वॉल्व इन दी ब्लड कोएगुलेशन। और जो प्लेटलेट्स है हमने पहले ही देखा है कि ये जो है फ्रेगमेंटेड सेल्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो अगर किसी ह्यूमन में या किसी इंडिविजुअल में अगर प्लेटलेट्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो ब्लड की कोएगुलेशन नहीं हो पाएगी। मीन्स अगर कोई भी आर्टरी या वेन कोई रप्चर हो गई है स्किन इंजरी के कारण तो जो प्लेटलेट्स हैं ये उस जगह पे जाके अक्यूमुलेट होते हैं और ब्लड को क्लॉट करते हैं और जो यहाँ पे रप्चर्ड वेसल है ये क्लोज हो जाती है। तो इस तरीके से जो ब्लीडिंग है ये स्टॉप होती है। लेकिन अगर इंडिविजुअल कोई है उसमें प्लेटलेट्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी। नाउ अब हम बात करेंगे अबाउट दी व्हाइट ब्लड सेल्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड दी ल्यूकोसाइट्स। जो ल्यूकोसाइट्स हैं इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अभी हमने देखा कि जो एरिथ्रोसाइट्स हैं इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, लेकिन जितने भी WBCs हैं इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब 2 तरह के जो हैं ये WBCs होते हैं। एक तो है ग्रेन्यूलोसाइट्स। ग्रेन्यूलोसाइट्स वो सेल्स हैं जिनमें कि इस तरीके से ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और दूसरे हैं एग्रेन्यूलोसाइट्स। इनमें कोई भी ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं होता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द ग्रेन्यूलोसाइट। 3 तरीके के ग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं। सबसे पहले ये है न्यूट्रोफिल। जो न्यूट्रोफिल है इसमें इस तरीके से न्यूक्लियस में 3 लोब्स प्रेजेंट होती हैं और इसको हम न्यूट्रोफिल इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये न्यूट्रल डाई के साथ स्टेन होता है। सो दैट्स वाई फ्रॉम न्यूट्रल डाई इट इज कॉल्ड दी न्यूट्रोफिल्स। अगर हम WBCs में इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो इट इज फ्रॉम 60 to 65% इन दी WBCs। उसके बाद यहाँ पे जो न्यूट्रोफिल्स हैं दे आर दी फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइटिक सेल्स क्या है, सपोज यहाँ पे एक पैथोजन है और ये जो है ये न्यूट्रोफिल है, तो न्यूट्रोफिल इसको फैगोसाइट कर लेगा, मीन्स इसकी फैगोसाइटोसिस कर लेगा। इस तरीके से इंटरनलाइजेशन हो जाएगी पैथोजन की और फिर इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं ये इस पैथोजन को किल कर देंगे। तो जो इस तरीके का मैकेनिज्म होता है इट इज कॉल्ड द फैगोसाइटोसिस। तो ये एक फैगोसाइटिक सेल है जो कि फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करता है। जब भी हमें कोई भी इंजरी होती है, जैसे कोई भी स्किन में कट आ गया या किसी भी तरीके की स्किन में इंजरी होती है, तो उस जगह पे जो सबसे पहले इम्यून सेल्स रीच करते हैं दे आर कॉल्ड दी न्यूट्रोफिल्स। दूसरे हैं बेसोफिल्स। जो बेसोफिल्स है इसका न्यूक्लियस इस तरीके से होता है, इट इज नियरली अबाउट बायलोबल न्यूक्लियस, इसमें बायलोब्स होती हैं। नाउ न्यूट्रोफिल जो है दे कॉन्स्टिट्यूट 0.5 to 1% ऑफ WBCs और इनमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं दीज आर कॉल्ड दी हिस्टामिन एंड हेपारिन। जो यहाँ पे हिस्टाडिन है, हिस्टाडिन एक इन्फ्लामेटरी ग्रेन्यूल होता है, मींस ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जब ये सेक्रीट होता है तो ये इन्फ्लामेशन कॉज करता है। अब जो तीसरे हैं दीज आर कॉल्ड दी इस्नोफिल्स। जो इस्नोफिल्स हैं ये 2 to 3% WBCs में ये इनका अमाउंट होता है एंड दे रिजिस्ट द इन्फेक्शन बाय एलर्जिक रिएक्शन। उसके बाद अब हम बात करेंगे अबाउट दी ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। तो इसमें सबसे पहले है मोनोसाइट्स। जो मोनोसाइट्स हैं इनमें सिंगल न्यूक्लियस इस तरीके से प्रेजेंट होता है एंड दे आर दी फैगोसाइटिक सेल्स, ये फैगोसाइटोसिस कॉज करते हैं। दूसरे हैं लिम्फोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स दो तरीके के होते हैं, एक तो है बी लिम्फोसाइट एंड एक है टी लिम्फोसाइट। जो यहाँ पे बी लिम्फोसाइट है ये इस तरीके से, दिस इज अ बी लिम्फोसाइट और बी सेल, और ये वेरियस इम्यूनोग्लोबिन्स को सेक्रीट करते हैं, दीज आर कॉल्ड दी इम्यूनोग्लोबिन्स, जो हमने डिस्कस किए थे IgG, IgM। तो इस तरीके के जो इम्यूनोग्लोबिन्स हैं और जिन्हें हम एंटीबॉडीज भी बोलते हैं इनको बी सेल सेक्रीट करते हैं और प्लाज्मा सेल्स। और जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये डायरेक्टली फाइट करते हैं अगेंस्ट दी फॉरेन पैथोजन। उसके बाद अब हम बात करेंगे अबाउट दी ब्लड ग्रुप्स। तो अगर हम ह्यूमंस में देखें तो यहाँ पे 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी एंड एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ ब्लड। सबसे पहले जो यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप है इसमें जो एंटीजन होगा आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर ये ए एंटीजन प्रेजेंट होता है, और जो इसका प्लाज्मा है इसमें एंटी बी एंटीजन प्रेजेंट होता है, सॉरी ये एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड दी एंटी बी एंटीबॉडी। उसके बाद जो बी ब्लड ग्रुप है इसमें जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है इनमें बी एंटीजन प्रेजेंट होता है इसके ऊपर, और जो इसका प्लाज्मा है इसमें एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। जो यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप है इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता ऑन दी आरबीसी मेम्ब्रेन, इसी तरीके से आरबीसी की मेम्ब्रेन होती है, कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन प्लाज्मा में दोनों एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। अगर हम यहाँ पे लास्ट ब्लड ग्रुप की बात करें विच इज कॉल्ड दी ए बी ब्लड ग्रुप, इसको ए बी इसलिए बोला जाता है बिकॉज इसकी जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है इसमें ए एंड बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, और जो एंटीबॉडीज है प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता। नाउ अब हम बात करेंगे अबाउट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है कि सपोज जो एक इंडिविजुअल है इसमें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है, इसको ब्लड सप्लाई करना पड़ता है। जो इंडिविजुअल इसको ब्लड डोनेट करता है दैट इज कॉल्ड द डोनर। तो अगर तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है जिसको कि जिसमें ब्लड लॉस हुआ है इसमें अगर ए ब्लड ग्रुप है तो जो डोनर का ब्लड ग्रुप है ये या तो ए होना चाहिए या तो ओ होना चाहिए, फिर ही हम इसको डोनेट कर सकते हैं। अगर इसका ब्लड ग्रुप बी है तो इट विल एक्सेप्ट द ब्लड फ्रॉम बी डोनर और डोनर विद बी ब्लड ग्रुप एंड डोनर विद ओ ब्लड ग्रुप। सिमिलरली अगर यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप है तो जो ओ ब्लड ग्रुप है ये ओ डोनर वाला, मीन्स जो डोनर है इसमें भी ओ ब्लड ग्रुप ही होना चाहिए। सो अगर यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए बी है तो डोनर का ब्लड जो है ये ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, जो ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। तो जो ए बी है ये हर तरीके का ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है। सो दैट्स वाई इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मीन्स हर एक ब्लड ग्रुप को ये एक्सेप्ट कर सकता है। जो इंडिविजुअल्स जिनमें ओ ब्लड ग्रुप्स हैं ये किसी भी ए बी ओ और ए बी किसी भी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल को ब्लड डोनेट कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई द इंडिविजुअल विद ओ ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल डोनर एंड द इंडिविजुअल विद ए बी ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर. अब हम लास्ट में बात करेंगे अबाउट द आर एच ग्रुप. जो आर एच ग्रुप है, अब जो आरबीसीज होते हैं इनकी मेम्ब्रेन पे एक और एंटीजन होता है विच इज कॉल्ड द आर एच एंटीजन. तो जो आरएच एंटीजन है इसको सबसे पहले रहीसस मंकी में देखा गया था. सो रहीसस से ही इसका नाम रखा गया है आरएच ब्लड ग्रुप. अब यहाँ पे दो तरीके के आरएच ब्लड ग्रुप होते हैं. एक तो वो पर्सन जिसमें कि जो आरएच ब्लड ग्रुप है अगर तो उसमें प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे आरएच पॉजिटिव इंडिविजुअल. अगर किसी इंडिविजुअल में आरएच फैक्टर जो है और जो आरएच एंटीजन है ये एब्सेंट है रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन पे तो इसे हम बोलेंगे आरएच नेगेटिव इंडिविजुअल. नाउ जो आरएच पॉजिटिव है और आरएच नेगेटिव है ये हर बार चेक किया जाता है बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन. अगर इंडिविजुअल आरएच पॉजिटिव है तो उसमें आरएच पॉजिटिव का ही ब्लड जाएगा, अगर वो आरएच नेगेटिव है तो उसमें आरएच नेगेटिव का ही ब्लड जाएगा. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस अगर यहाँ पे हम ब्लड ग्रुप्स की और डिफ्रेंसिएशन और इसको हम क्लासिफाई करें तो जो इंडिविजुअल ए है इसमें ए पॉजिटिव भी हो सकता है ए नेगेटिव भी हो सकता है. ए पॉजिटिव मींस आरएच पॉजिटिव प्रेजेंट है, ए नेगेटिव मींस आरएच पॉजिटिव जो आरएच फैक्टर है ये एब्सेंट है. जो बी ब्लड ग्रुप है ये भी इसी तरीके से बी पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव कोई भी हो सकता है. सिमिलरली जो यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप है ये ओ पॉजिटिव भी हो सकता है और ओ नेगेटिव भी हो सकता है. जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है ये रेयर ब्लड ग्रुप है, बहुत रेयरली पूरे वर्ल्ड में बहुत कम लोगों के पास ये प्रेजेंट है. और जो ए बी है ये भी सिमिलरली ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव इनमें से कोई भी हो सकता है. नाउ यहाँ पे बात हो रही है आरएच फैक्टर की. तो जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ये चेक किया जाता है कि उसमें जो पर्सन है उसमें ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ है या ए बी है. दूसरा चेक किया जाता है कि जो भी अगर इनमें से कोई भी है, सपोज ए है तो ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, मींस आरएच फैक्टर भी हमने चेक कर लिया. इफ द मदर हैज आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप एंड फीटस हैज आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड द मदर इज इंजेक्टेड विद द एंटीबॉडी विच इज कॉल्ड द रोगम. अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सपोज यहाँ पे मदर है और जो मदर है इसमें आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और जो फीटस है फीटस आरएच पॉजिटिव है. जब बेबी की डिलीवरी होती है तो बेबी का कुछ जो ब्लड है ये मदर की बॉडी में एंटर करता है. तो यहाँ पे जो मदर की बॉडी है ये इस ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज को प्रिपेयर करेगी. और दो तरीके के एंटीबॉडीज होते हैं, एक वो एंटीबॉडीज जो कि उसी टाइम पे ये जो ब्लड सेल्स हैं इनको किल कर देंगे और दूसरे वो एंटीबॉडीज जो कि मेमोरी एंटीबॉडीज हैं. ये जो मेमोरी एंटीबॉडीज है ये याद रखते हैं, इनमें मेमोरी होती है. अगर अब यहाँ पे अब फर्स्ट चाइल्ड में तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बेबी जो है इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी अच्छे से. लेकिन अगर सेकेंड टाइम जो मदर है ये फिर से अगर इसमें आरएच पॉजिटिव वाला फीटस आएगा तो ये जो मदर के एंटीबॉडीज में जो मेमोरी सेल्स इन्होंने जनरेट किए थे ये इस जो आरएच पॉजिटिव वाला सेकंड फीटस है इसके ब्लड सेल्स को और आरबीसीज को अटैक करेंगे. तो इसमें जो चाइल्ड है इसमें कुछ तरीके की अनीमिया डेवलप होता है, इसमें जो रेड ब्लड सेल्स का काउंट बहुत कम हो जाता है. सो डिफरेंट टाइप ऑफ अनीमिया और जॉन्डिस डेवलप होता है. सो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस. इस कंडीशन को रोकने के लिए क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड जो मदर है इससे पहले कि मदर की बॉडी एंटीबॉडीज जनरेट करे हम बाहर से इंजेक्ट करते हैं एंटीबॉडीज विच आर कॉल्ड द रोगम. ये जो रोगम है ये इस तरीके के एंटीबॉडीज हैं कि ये उसी टाइम पे ये जो बेबी के जो यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स हैं जो भी ब्लड सेल्स हैं इनको किल कर देंगे. तो मदर की बॉडी एंटीबॉडीज जनरेट नहीं कर पाएगी, अगर जनरेट नहीं करेगी कोई मेमोरी सेल भी नहीं बनेगा. सो सेकेंड चाइल्ड जब होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो इस तरीके से जो रोगम है ये विद इन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी जो है ये प्रोवाइड किया जाता है इंजेक्शन. सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड इफ यू फाइंड द कंटेंट यूजफुल प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बायोलॉजी ऑन अर्थ.